आई होप एवरीबडी इज फाइन। आपको मालूम ही कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है हमारा जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे मैंने और कुछ एक दो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, लेकिन आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो बेसिकली ये है कि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं जितने फॉर्मूले अब तक डिस्कस हो चुके हैं उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस। ओके, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, जो अगर रह रहे होंगे, जो बहुत टिपिकल टाइप के होंगे, मुझे लगेंगे कि हाँ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको भी मैं डिस्कस जरूर करूँगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है स्टूडेंट को, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कितना लेंदी पढ़ रहे हैं इस वजह से आपको लग सकता है ऐसा। बट हाँ, अगर आप इनफ प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के हो और टॉपिक हो आपको समझ में ना आए। ओके, तो अब हम वन बाय वन कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज cos 4x plus cos 3x plus cos 2x whole upon sin 4x sin 3x plus sin 2x is equal to cot 3x, ठीक है। क्वेश्चन है और ये हमें रिजल्ट चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वी विल डू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेट LHS को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा किसी इंटरमीडिएट स्टेप तक। सिमिलरली वी नीड टू सॉल्व द राइट हैंड साइड एज वेल, और फिर हमें कोई ना कोई एक ऐसी स्टेप, कॉमन स्टेप मिल जाएगी जहाँ पे दोनों का रिजल्ट सेम हो रहा होगा। सो वी विल प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, द क्वेश्चन विल बी प्रूव्ड। बट इसमें हमें ये रिजल्ट सॉल्व करके लेके आना है। ओके, तो LHS सॉल्व करते हैं। अब देखिए, C प्लस D वाले फॉर्मूले मैंने जो डिस्कस किए थे उन्हीं से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन। देखिए, अब हमें ये समझना है कि हम पेयर किन क्वेश्चन किसका पेयर बनाएं, किसका मतलब कौन से एंगल्स का। 4 और 3 का अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो 7x बाई 2, समझ रहे हैं आप, 7x बाई 2 आएगा एंगल, क्योंकि हाफ हो जाता है। 2 और 3 को करूँगा तो फिर से 5x बाई 2, हाफ हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा, हमें रिजल्ट में केवल 3x लेके आना है। तो अब हमें ये दिख रहा है कि 4 और 2 को अगर करते हैं तो 6x बाई 2 3x, यस इट इज ओके। मतलब हमें 4x और 2x का पेयर बनाना होगा एंगल का। इन क्वेश्चन में ये समझना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका क्या होगा, स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, फिर उसे कट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, मतलब ओवर राइटिंग भी होगी, टाइम भी किल होगा, और आपका जो अदर क्वेश्चन आप उतनी ही टाइम में सॉल्व कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो इसलिए ये चीज़ समझनी जरूरी है कि किस एंगल के साथ पेयर बन पा रहा है, वो ही अप्लाई करें तो आप एक ही बार में रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज आपको फिर टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा एक क्वेश्चन पे ही। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, cos 4x plus cos 2x plus cos 3x, सिमिलरली डिनोमिनेटर में sin 4x plus sin 2x प्लस साइन 3x। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, cos c प्लस cos d इज गिवन बाय 2 cos c प्लस d 4x और 2x का सम बाय 2 cos दोनों एंगल्स का डिफरेंस बाय 2, ओके, एंड प्लस cos 3x। इस तरह से हम लिख देंगे। सिमिलरली अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, साइन 4x साइन 2x को 2 साइन c प्लस साइन d गिवन बाय 2 साइन c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2 प्लस साइन 3x, ये इस तरह से लिख देंगे। 2 cos
6x by 2 that is 3x into cos, ये हो गया केवल x, clear, plus cos 3x. टू साइन 3x cos x प्लस साइन 3x, राइट. cos 3x एंड cos 3x कॉमन है, टू cos x प्लस वन साइन 3x, एंड साइन 3x कॉमन है, ओके. ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, cos 3x ओवर sin 3x, इट विल बी cot 3x, हेंस प्रूफ, ओके, इक्वल टू RHS. हेंस प्रूफ, ठीक है. तो देखिए ये क्वेश्चन सी प्लस डी वाला जो फॉर्मूला था, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, उसी फॉर्मूले की ही हेल्प से सॉल्व पाया, ठीक है. तो फॉर्मूले आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में. ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री, और फिर अब जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे तब आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. ये कुछ ऐसे चैप्टर जो फॉर्मूले पे ही कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं. हाउएवर मैथमेटिक्स पूरी ही फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, बट कई जगह ऐसा भी होता है कि फॉर्मूला की बजाय हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है जो एक सिंपल सी इस तरह की होगी कि एक बार हम सीख गए तो वही ऑलमोस्ट अप्लाई होंगी. बट इनमें ऐसा नहीं है, इनमें क्या है, फॉर्मूला तो यूज़ होना ही होना है हर क्वेश्चन में होना है, ठीक है. तो अब हम आगे और एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी प्रूव करने वाले होते हैं मोस्टली, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रूव ही करना है. क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 4x sin 8x. ये क्वेश्चन है जो मैं प्रूव करना, ओके. अगेन लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, इसका जो ये है फॉर्मूला, ओके. अब cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b लिखा हुआ है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है. तो इस जब दोनों टर्म cos के होंगे, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है. तो वो देखिए, इसको आप चाहें तो राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. इसी से करता हूँ, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको sin का, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का, ओके. जिसमें दोनों टर्म ही sin के आते थे, बट ये अभी cos में लिखा हुआ है, ठीक. तो क्या कर सकते हैं, इसको cos में तो चेंज कर ही सकते sin को, या sin को cos में चेंज कर सकते हैं. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर 2x माइनस ऐसे ही इसे माइनस प्लस साइन स्क्वायर, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट आ गया है केवल साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर, ओके, रिजल्ट मिल गया. अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. साइन 8x साइन 4x इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है. तो ये फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं याद था, ठीक है. बट ये वाला फॉर्मूला क्योंकि हमें याद है साइन स्क्वायर का, तो इसलिए हमने चेंज किया और इसे यूज कर लिया, ठीक है. तो ये अब हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि हमें जो चीज़ याद है उसी से उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, सिंपल, ओके. सो नेक्स्ट दो तीन एग्जांपल्स और हैं जो आज करने हैं आपको, जो आपको सीखने, क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट टाइप के, इसलिए मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो आपको खुद से करके देखने हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस इज इक्वल टू 1। ओके ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको सॉल्व करें तो ये कैसे लेके आए, क्योंकि वन आ रहा है जबकि यहाँ पे एंगल ही इस तरह से 3 2 x इस टाइप से। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से सोचो आप, ठीक है, ये जो जितने टर्म लिखे हुए तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं किस तरह से, जैसे 3x को हम 3x बेसिकली क्या है, 2x और x का सम ही तो है, राइट, 3x जो है वो 2x और x का सम है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे cot 3x को कैसे लिखेंगे, cot 3x को मैं ऐसे लिख सकते हैं cot 2x plus x, ठीक है, और फिर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बस सिंपल ये करना है, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं cot 3x equals to cot, ओके ठीक है, देखिए 3x को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए, इसका फॉर्मूला cot a plus b का यूज करेंगे, cot 3x equals to cot a plus b given by cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot b, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, इसका इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो cot 3x into cot 2x प्लस cot x into cot 3x इज इक्वल टू दिस cot 2x cot x माइनस, राइट, इस टर्म को ट्रांसपोज कर लीजिए, या फिर इन सभी को ट्रांसपोज करिए, वन को इधर ट्रांसपोज कीजिए क्योंकि आपको इज इक्वल टू में वन चाहिए, ओके। तो क्या आ जाएगा, देखिए cot 2x into cot x ये टर्म, ये इधर आ गया, एक ट्रांसपोज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस cot 3x into cot 2x ये टर्म आ गया, और ये भी माइनस हुई हो जाएगा, तो cot 3x into cot x इक्वल टू वन, एज इट इज इक्वेशन मिल गई हमें पूरी पूरी की पूरी, ठीक है। बस हमें यह ध्यान रखना था कि 3x को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ 5, अगर यहाँ पे 5 होता है, यहाँ 3 और 2 के टर्म होते तब भी इसी तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ओके। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस ओके ऑलराइट। सो क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लेंदी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, बट फॉर्मूले जो है वो यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ही है, ज़रूर से सॉल्व करके देखें। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, मेरे पढ़ाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा पढ़ाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस करके देखना क्वेश्चन की, ओके। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट पीटी रिप्रेजेंट्स प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल टू 32 cos रेज टू 6x 48 cos रेज टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड माइनस वन, ओके। इससे लग तो देखने में ये रहा है कि इसकी हेल्प से इसको प्रूव करना ज्यादा इजी रहेगा, ऐसा देखने में लग रहा है, सोचने में लग रहा है कि क्वेश्चन को राइट हैंड साइड के सॉल्व करके एलएचएस प्रूव करना चाहिए हमें, बट नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, सो इट इज बेटर टू यूज एलएचएस, एलएचएस यूज करके राइट हैंड प्रूव करेंगे, क्योंकि ये cos 6x लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं पहले cos 6x। अब cos 6x जो है ये क्या हो जाएगा, देखिए cos, देखिए आप सारे के सारे जो एंगल है वो सिंगल में ही आ रहे हैं, तो हम इसको
किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3x और 3x के टर्म में, ठीक है। तो हम इसको 3x प्लस 3x लिख देते हैं इस तरह से, ठीक। हालांकि cos 6x को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो ऐसे भी लिख सकते थे 2 cos square 3x minus 1, राइट। तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से, cos square 3x minus साइन स्क्वायर 3x, ओके। क्योंकि cos 3x माइनस sin 3x, तो ये इतना आ जाएगा। साइन का टर्म तो हमें चाहिए ही नहीं है, क्योंकि सब cos के ही टर्म आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब cos 3x का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। लेकिन उससे पहले हम इस साइन को भी कॉस में ही चेंज कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा फिर, कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस, तो ये साथ में ऐड हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1, इस तरह से टर्म आ जाएगा। अब हम cos 3x का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होल स्क्वायर, ओके। फॉर्मूला यूज कर लिया हमें, अब होल स्क्वायर ओपन करना है हमें। 4 का स्क्वायर 16 कॉस पावर में आ जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 × 3 12 × 2 = 24 और cos क्यूब और cos x का प्रोडक्ट दैट इज cos रेज टू 4x एंड माइनस 1, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 cos रेज टू 6x प्लस 9 और 2 18 हो जाएगा। लेकिन पहले ये टर्म लिखते हैं क्योंकि पावर इसकी ज़्यादा है, 24 × 48 cos रेज टू 4x एंड 29 18 प्लस 18 cos, देखिए एज इट इज रिजल्ट इसका भी हमें मिल गया है राइट हैंड साइड, क्लियर, हैंस टू, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व, क्लियर। फॉर्मूला ध्यान से देखें तो वही यूज किया है साइन ए प्लस बी का, सॉरी कॉस ए प्लस बी का, क्लियर। इस तरह से अब आप साइन 6x या टेन 6x कुछ भी हो उसको भी प्रूव किया जा सकता है, प्रूव करके देखा जा सकता है क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। सो ये मैंने कुछ आपसे जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करता जा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और है डिस्कस करने के लिए अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रूव करना है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो हम फिर से क्या करने वाले हैं, LHS को सॉल्व करेंगे राइट हैंड को प्रूव करने के लिए। साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब केवल ये देखिए कि हमें प्रूव जो करना है उसमें साइन 4x का टर्म आ रहा है, बाकी सब सिंगल, मतलब एंगल देखिए 4 टाइम है और 1 टाइम है बस, मतलब हमें 6x को भी चेंज करना पड़ेगा और 2x को भी करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि हमें चेंज करना ही नहीं है, इसलिए प्लस साइन 6x को, यस इसको चेंज कर देता हूँ मैं। तो साइन 6x को हम कैसे लिखेंगे, 4 और 2 में चेंज कर देंगे, तो साइन ऐसे लिख लेंगे, राइट। अब हम
साइन टू एक्स प्लस टू टाइम्स साइन फोर एक्स प्लस इस टर्म को ओपन कर लेते हैं आइडेंटिटी अप्लाई करके, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से ये टर्म रिजॉल्व हो गया। इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखो तो साइन फोर एक्स आपको कॉमन मिल जाएगा और इस टर्म में और इस टर्म में आपको साइन टू एक्स कॉमन मिल जाएगा। तो हमने साइन टू एक्स कॉमन ले लिया है पहले इसमें और इस टर्म में, वन बचेगा प्लस में कॉस फोर एक्स रह जाएगा, ओके प्लस इस टर्म और इस टर्म में देखिए क्या कॉमन है, साइन फोर एक्स। तो यहाँ से कॉस टू एक्स इधर से टू रह जाएगा कॉमन, इस तरह से ये टर्म सिंपल हो गया है। साइन टू एक्स यहाँ आ चुका है, वन प्लस कॉस फोर एक्स हमें थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा पहले, कॉस फोर एक्स को फॉर्मूला हम चेंज करते हैं तो ये कॉस फोर एक्स हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, जिससे वन और वन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैसे आया है, तो कॉस फोर एक्स को मैंने लिखा टू एक्स प्लस टू एक्स कॉस टू एक्स प्लस टू एक्स और उसी को सॉल्व किया है तो ये टर्म आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, साइन फोर एक्स कॉस टू एक्स प्लस में टू आ रहा है, ठीक तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा चेंज, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये वाला यूज करेंगे तो टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये माइनस वन प्लस में टू, ठीक तो टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन बच जाएगा। अभी साइन टू एक्स को थोड़ा सिंपल करना होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टू एक्स भी आ रहा है, ठीक है तो साइन टू एक्स की भी लगी, हमें राइट हैंड भी तो देख के चलना है तो यहाँ पे टू एक्स का कोई भी टर्म नहीं, मतलब टू एक्स का भी फॉर्मूला रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, तो ये होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, और टू यहाँ भी है तो इसका टू और ये टू फोर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर टू एक्स इस तरह से, ठीक है यार। रुकिए और थोड़ा सा सिंपल करते हैं क्वेश्चन को, इस तरह से नहीं करेंगे, और क्वेश्चन सिंपल कर रहा हूँ मैं। टू साइन टू एक्स, यहाँ से कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स दो बार लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख दिया तो देखिए ये टू यूज हो गया, इसका एक टर्म यूज हो गया, इसका एक टर्म यूज हो गया, केवल कॉस टू एक्स बचा हुआ होगा प्लस साइन टू एक्स साइन फोर एक्स, और यहाँ से टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन, राइट राइट। इस टर्म को हम टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स, ये जो टर्म है ये क्या लिख सकते हैं इसको वो सोचिए आप। टू साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये साइन टू टाइम्स एंगल का फॉर्मूला है, मतलब ये हो जाएगा साइन फोर एक्स, तो ये साइन फोर एक्स का फॉर्मूला हो गया है, इंटू में कॉस टू एक्स प्लस यहाँ पे भी साइन फोर एक्स आ रहा है और टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में, ठीक है इतना टर्म मिल चुका है। अभी हमें इसको क्या करना है, अभी मैं इसकी दो तीन स्टेप रेज करने वाला हूँ क्योंकि इसके आगे का पार्ट यहीं पे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ पर लिखा हुआ आप सबको दिख रहा है, तो यहाँ पे और लिखते हुए निकल, देखिए साइन फोर एक्स कॉमन आ रहा है तो साइन फोर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ से कॉस टू एक्स और ये पूरा ब्रैकेट टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन, इस तरह से ये टर्म भी रिजॉल्व हो गया है। अब हमें कॉस टू एक्स यहाँ पे आ रहा है बट हमें कॉस टू एक्स नहीं चाहिए है, ठीक है तो मैं ये स्टेप इरेज कर रहा हूँ, बस तीन स्टेप्स, देखिए आगे क्या करना है हमें लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको ध्यान दे कहाँ से लिखना है, लाइन ड्रॉ कर दिया
साइन फोर एक्स कॉमन है, ब्रैकेट में कॉस टू एक्स का फॉर्मूला फिर से यूज करूंगा मैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वापस से यही यूज किया है क्योंकि इससे वन कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन से ये वन कैंसिल के लिए प्लस वन था, ओके टू और टू फोर हो गया है, कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, फोर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो ये हो गए हैं क्वेश्चन जो मैंने बताए थे आपको कि जो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट से क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने डिस्कस किए हैं, जरूर से देखें सॉल्व करें, तभी आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।